ध्यान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार पलटू राम हैं या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू मार हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरह से पलटी मारी है उसे देखने के बाद इंडिया अलायंस भी काफी भड़का हुआ है। बल्कि लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक नीतीश पर भड़के हुए हैं। नीतीश कुमार पर जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी निशाना साधा है। प्रशांत किशोर की माने तो बिहार के लोगों में किसी नेता के लिए गुस्सा है तो वो नीतीश कुमार है। इसके साथ साथ प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार पलटू राम नहीं बल्कि पलटू राम के सरदार है। ये जनता पहले से जानती है कि बिहार में हुए घटनाक्रम ने ये भी बता दिया है कि बिहार में जितने भी नेता या दल हैं सभी पलटू राम हैं। और ये भी साबित हुआ है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी भी उतने ही बड़े पलटू राम हैं। नीतीश कुमार जितने पलटू राम हैं ये पूरी दुनिया जान चुकी है। ये बहस का विषय नहीं। प्रशांत किशोर ने इसके साथ साथ कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की लहर में जदयू को कुछ फायदा होगा, वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आइए आपको सुनाते हैं प्रशांत किशोर का पूरा बयान, उन्होंने कैसे नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी को घेरा। नीतीश कुमार बस पलट, कभी भी पलट सकते हैं। आप मेरे कितने भी वक्तव्य उठाकर देख लीजिए, हर जगह हमने कहा है ये नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा बन गया है। लेकिन आज जो घटना हुई है ये नीतीश कुमार के संदर्भ में नहीं है। नीतीश कुमार पलटू राम हैं या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। आज की घटना ने, अभी जो हुआ है, इसने ये दिखाया कि पूरे बिहार में जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू मार हैं। आज ये भी तय हुआ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा वाले भी उतने ही बड़े पलटू मार हैं। जो अभी 2-4 महीना पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में भाजपा का दरवाजा बंद है, ये पलटू मार पूरी राजनीतिक व्यवस्था है। इसलिए कि कल तक जो नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे भाजपा के वर्कर, समर्थक, कार्यकर्ता, आज ही से इनको सुशासन का नया प्रतिमूर्ति बताने लगेंगे। ये पलटू मार व्यवस्था इसलिए है कि आज तक राजद जो उनको सुशासन और भविष्य का नेता बता रही थी, अभी आज शाम होते होते वो फिर नीतीश कुमार को गाली देंगे। उनको शराबबंदी में माफियागिरी दिखने लगेगी, भ्रष्टाचार उनको बिहार में दिखने लगेगा, अभी सुबह तक नहीं दिख रहा था। तो नीतीश कुमार पलटू मार है ये तो पूरा दुनिया जानता है। अब ये बहस का, ये कोई डिस्कवरी का मुद्दा नहीं है। इस घटना ने ये दिखाया कि नीतीश कुमार ने अपने ही रंग में यहाँ के पूरी राजनीतिक व्यवस्था को रंग दिया है, जिसमें भाजपा और राजद दोनों ही उतने ही बड़े पलटू मार है जितने बड़े नीतीश कुमार है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी को भी घेरा, बल्कि उन्होंने यहां तक बोल डाला कि नीतीश कुमार आगे भी कभी भी पलटी मार सकते हैं। यहां आपको हम ये बता दें कि नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने एक बार फिर बिहार के सीएम के पद की शपथ भी ले ली है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।